थे और अब बात करेंगे इंतजार की घड़ियों के खत्म होने की और काउंटिंग का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। कुछ ही घंटों में लोकसभा उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना शुरू हो जाएगा। 4 जून यानी कल प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा खुलेगा। छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव में मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 11 लोकसभा सीटें, 220 प्रत्याशी मैदान में, उनके भाग्य का फैसला होगा। और तकरीबन सुबह 8 बजे ईवीएम खुलनी शुरू हो जाएंगी। इससे पहले 41,877 डाक मतपत्र हैं, उनकी भी गिनती होगी। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, 12,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। इनके बीच रायपुर, बस्तर, दुर्ग, कांकेर, कोरबा, बलौदाबाजार, बलरामपुर और सूरजपुर की तस्वीरें देख लीजिए, जहां तैयारियां पूरी हो गई हैं। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें जहां तैयारियों का जायजा लिया गया है। और रायपुर, बस्तर, दुर्ग, कांकेर, कोरबा, बलौदाबाजार, बलरामपुर, सूरजपुर, इस तरह से तमाम जो जिले हैं वहां पर जो स्ट्रांग रूम में रखी हुई ईवीएम है उसे कल निकाला जाएगा और फिर 8 बजे से काउंटिंग का जो सिलसिला शुरू होगा तो वो अनवरत चलता रहेगा। 11 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ में, तकरीबन 220 प्रत्याशी मैदान में, कई दिग्गजों की साख दांव पर। और क्या जनादेश आपने सुनाया है उसे सबके सामने आने का, उसके सबके सामने आने का सिलसिला कल 8 बजे से शुरू हो जाएगा। न्यूज 18 नेटवर्क की भी पूरी तैयारियां हैं और सबसे तेज और सटीक नतीजे हम आप तक पहुंचाएंगे, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के नतीजे। हमारे सहयोगी जुड़ने वाले हैं, उनसे और ज्यादा जानकारियां, अपडेट्स हम लेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जुड़ जाएं। 11 सीटों के लिए 220 प्रत्याशी मैदान में हैं और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। तो आकाश, अब कुछ घंटों का इंतजार, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, कुछ घंटों का इंतजार बाकी है और बीजेपी में उत्साह है। उत्साह तब से है जब से एग्जिट पोल में जो अनुमानन नतीजे आए हैं। अभी हाल ही में बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई संगठन की, उसको इसके साथ ही उसमें चर्चा ये हुई कि किस तरीके से जिलों में व्यवस्था की जाएगी और किस तरीके कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि पहले ही तय कर दिया गया था कि कहाँ कहाँ पे किन्हें रहना है। ऐसे में एक बार फिर से कोऑर्डिनेशन किया गया है। बात करें बीजेपी एकाध परिसर की तो वहाँ भी पंडाल लगे हुए हैं और जश्न को लेकर तैयारियां हैं। इसी तरीके से तैयारियां जो है अलग अलग जो है भाजपा मुख्यालय में किए गए हैं। इसके साथ ही जो सभी कैबिनेट मंत्री हैं वो अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे, वहाँ की व्यवस्था देखेंगे। कोऑर्डिनेशन को लेकर जो मतगणना होनी है वहाँ पर कहा गया है कि जब तक के मतगणना पूरी तरीके से ख़त्म ना हो सभी जो कार्यकर्ता रहेंगे वो वहाँ पर रहेंगे और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा। स्टेट मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया है भाजपा मुख्यालय में, जहाँ से पूरे जिलेवार मॉनिटरिंग रहेंगी। और जो एक उत्साह है क्योंकि 11 सीटों का जो लक्ष्य रखा था वो भाजपा का मानना है कि वो 11 सीटें भाजपा के पाले में जा रही है, तो ऐसे में एक अलग तरीके से उत्साह देखने को मिलता है। कारण यही है कि जी उमेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, क्या कुछ अपडेट, तैयारियां किस तरह की हैं और अगर कितने राउंड में काउंटिंग होनी है इसकी जानकारी हो तो वो भी साझा करें। उमेश बिल्कुल, ललित जी देखिए काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं जिला निर्वाचन की वो पूरी कर ली गई है। 3 लेयर सुरक्षा की गई है, 14 टेबल्स लगाए जाएंगे, न्यूनतम जो है वो 17 राउंड होंगे, अधिकतम जो है 24 राउंड की गिनती होगी। चूँकि बिलासपुर और मुंगेली दो जिले मिलाकर ये बिलासपुर लोकसभा है, ऐसे में बिलासपुर लोकसभा की जो काउंटिंग, 6 विधानसभा की जो गिनती होगी वो इंजीनियरिंग शासकीय कॉलेज में होगी। इसके साथ ही मुंगेली की दो जो विधानसभा है लोरमी और मुंगेली, वो उसकी जो काउंटिंग होगी मुंगेली में होगी। तो तमाम जो तैयारियां जिला प्रशासन निर्वाचन की ओर से वो पूरी कर ली गई है। अगर हम
वहीं राजनीतिक पार्टियों की बात करें, नेताओं की बात करें, तो उनके दिल की धड़कनें तेज है, पूरे देश को इंतजार है कल के परिणाम का। ऐसे में जो तमाम जो नेता हैं उनकी पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं कि किस तरीके का परिणाम होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से रुझान आया वो काफी अस्वस्थ दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस भी कहीं इससे कम दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस के लोगों से आज जब हमने बात किया तो उनका कहना था कि बिलासपुर लोकसभा को लेकर वो काफी अस्वस्थ हैं और यही वजह है कि वो मिठाई का ऑर्डर भी दे चुके हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जो नेता हैं वो मिठाइयों के ऑर्डर दे दिए हैं, अभी से एडवांस जमा कर दिया है। तो इस तरह की जो तैयारी तमाम है वो पूरी कर ली गई है, बस इंतजार है तो कल सुबह 8 बजे का जब काउंटिंग शुरू होगी और परिणाम का रुझान जो आने शुरू हो जाएंगे। जी जी, डाक मतपत्रों को लेकर भी अपडेट्स जरा पता करिएगा, किस तरह से उनकी काउंटिंग होगी, पहले होगी बाद में होगी, ऐलान किया जाएगा नहीं कि ऐलान किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। उमेश ने कितनी अच्छी बात याद दिलाई, मिठाइयों का ऑर्डर दे दिया गया है। सरकार किसी की बने, कोई जीते हारे, माहौल एकदम मीठा होना चाहिए। अगली बड़ी खबर बलरामपुर से, कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम का बयान, 4 जून को गौरव का क्षण आने वाला है, कल देश में नया इतिहास रचा जाएगा और कांग्रेस को जनता सबक सिखाएगी। रामविचार नेताम मंत्री, उनका ये बड़ा बयान सामने आया है। इधर काउंटिंग से पहले बस्तर से बीजेपी के उम्मीदवार महेश कश्यप ने बड़ा दावा किया है। कश्यप ने कहा कि कल का परिणाम चौंकाने वाला होगा, कल कांग्रेस के उम्मीदवार कवासी लखमा का बैंड बजने वाला है, बीजेपी भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। बैंड बजेगा बस्तर या बैंड बजेगा, बस्तर का बैंड बजाने वाले लोग कवासी लखमा का बैंड बजाने वाले हैं, कल बजेगा। कितने मतों से जीतने के कुछ आंकड़ा आपने? अब कल परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा आपको, लेकिन भारी बहुमत से हम जीतेंगे। भाजपा ने कितने किलो लड्डू का ऑर्डर दिया है? देखिए बस्तर के लोग लड्डू, मवा का लड्डू और कई प्रकार का हमारे जो आदिवासियों का लड्डू है वो अपने आप बना के सब खाएंगे और हम अपने तरीके से अपना खुशी का इजहार करेंगे। इधर रायपुर में बीजेपी ने महायज्ञ का आयोजन किया। लोकसभा चुनाव में 400 सीट हासिल करने के लिए काली मंदिर में एक धार्मिक अनुष्ठान किया गया। बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस यज्ञ में शामिल हुए, आहुतियां दी। रायपुर के प्रसिद्ध काली मंदिर के पास मौजूद है और यहां पर भाजपा संगठन के तमाम लोग भी मौजूद है और वो यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 400 पार का भाजपा ने लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को पूरा किया जा सके। यहाँ पर चौक के पास पूरा जो विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है, देख सकते हैं किस तरीके से जो संगठन के तमाम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं और ये कामना कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 11 सीटों का लक्ष्य तो मिले ही, साथ ही भाजपा के 400 पार का लक्ष्य पूरा हो। हम बात करेंगे भाजपा के सदस्य हैं, यज्ञ कर रहे हैं, क्या कामना लेकर कर रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी, जनता ने संकल्प लिया है अब की बार 400 पार, उस संकल्प को पूरा होने जा रही है। आप सर्वे रिपोर्ट में जिस प्रकार से देख रहे हैं कि 400 पार का जो नारा है वो पूरा होने जा रही है। सर्वे रिपोर्ट में सारे रिपोर्ट में बता रही है कि एनडीए की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हर्षोल्लास है और इस हर्षोल्लास के कार्यक्रम में आज हम लोगों ने एक बड़ा हवन और पूजन अनुष्ठान यज्ञ महायज्ञ का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। निश्चित रूप से 400 पार का जो सपना इस देश ने देखा है वो पूरा होने जा रही है। जी बिल्कुल, 400 पार का सपना पूरा करने जा रही है। क्या भाजपा में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सब पूरी भारतीय जनता पार्टी का भी वो है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और 400 पार होगा, जरूर होगा। जी बिल्कुल, मंगल कामना इस लिए भी है कि लोग खुशहाल रहे, फिर से मोदी सरकार आए, इसको लेकर जो है संगठन के लोग मौजूद हैं, आपसे चर्चा करेंगे, यज्ञ में बैठे हुए हैं, लोगों के लिए भी मंगल कामना कर रहे हैं 400 पार के लक्ष्य के साथ। पूरे देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए हम मंगल कामना कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मंगल कामना कर रही है और सबकी, पूरी जनता की, आम जनता, आम कार्यकर्ता की इच्छा है कि मोदी जी इस बार 400 ज्यादा सीट पाए। आज तो अनुष्ठान कर रहे हैं, कल के लिए क्या फिर तैयारियां हैं? पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ जनता अपने आप उत्साह मनाई, कल आपको लगेगा कि दिवाली का त्यौहार है कल। तो ये थे भाजपा के जो तमाम लोग, उनका कहना है कि जो भाजपा इस बार सरकार में तो आ ही रही है, साथ ही वो लक्ष्य को भी पूरा कर रही है, कल जनता भी उत्साह भाजपा की जीत में मनाने जा रही है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर छत्तीसगढ़। इधर रायपुर में बीजेपी के धार्मिक अनुष्ठान पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस
कि सुशील आनंद शुक्ला ने इसे नतीजों से पहले बीजेपी की घबराहट बताया है। भारतीय जनता पार्टी का डर है, घबराहट है, एग्जिट पोल सेटिंग करने के बाद भी उनको यह समझ नहीं आ रहा है, उनको भरोसा नहीं है कि उनकी सरकार वापस आएगी। तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। कुछ वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये भगवान की पूजा पाठ की शरण में पहुंच गई है। हे भगवान इज्जत बचाओ, क्योंकि इनकी सरकार की वापसी संभव नहीं है। और एग्जिट पोल में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की संभावित जीत से कार्यकर्ता उत्साहित हैं। नतीजे आने से पहले नेता जश्न की तैयारी में हैं, मिठाई के ऑर्डर दे दिए गए हैं और बीजेपी कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं। बिलासपुर में भी नेता मिठाई की दुकान में पहुंचे और रुपए एडवांस तक दे आए हैं। एग्जिट पोल के रुझान के बाद से भारतीय जनता पार्टी में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। खास करके बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में आप देख सकते हैं कि मिठाई दुकानों में अभी से जो है नेता वो मिठाइयों के लड्डू के ऑर्डर देना शुरू कर दिए। इस वक्त मैं संतोष भवन में मौजूद हूँ और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो नेता है वो पहुँचे हुए, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ जो रुझान आया है उससे आप लोग को लगता है कि जीतता है और कितने किलो लड्डू यहाँ पर आप लोगों ने कराया है। मैं 11 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया हूँ संतोष भुवन में और सबको मालूम है रुझान ही नहीं, मैं तो पहले से भी बोल रहा हूँ, पूर्ण बहुमत की सरकार 350+ भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार में हम लोग रहेंगे और खुशी मनाना है तो खुशी, बिना लड्डू की खुशी कहाँ, बिना मीठे की खुशी कहाँ। तो लड्डू का ऑर्डर आज किया हूँ, कल जैसे रुझान आना शुरू होगा लड्डू बांटना शुरू हो जाएगा। 150 किलो लड्डू का ऑर्डर मिल चुका है अभी तक, जो कि हर साल मिलता ही है हम लोगों को। कौन 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 सी पार्टी ने दिया है? बीजेपी कांग्रेस दोनों तरफ से है। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य। इधर छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की चौथी किश्त जारी कर दी गई है। महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की गई, 1,000 रुपए की चौथी किश्त ये जारी हुई है। 70 लाख महिलाओं के खाते में ये राशि गई है। और इधर कोल घोटाले में बड़ा अपडेट आपको बता दे, रायपुर से बड़ा अपडेट। ईओडब्ल्यू की रिमांड पर चारों आरोपी हैं, सौम्या चौरसिया, रानू साहू, इन्हें 2 दिन की रिमांड पर दिया गया, जबकि 7 दिन की रिमांड पर समीर बिश्नोई और सूर्यकांत तिवारी हैं, जिनसे लगातार अब पूछताछ की जाएगी। सौम्या चौरसिया, रानू साहू 2 दिन की रिमांड पर और समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी 7 दिन की रिमांड पर। और बीजापुर से बड़ा अपडेट आपको बता दें, 12 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। सर्चिंग के दौरान जवानों ने अलग अलग इलाकों से इन्हें गिरफ्तार किया है। आईईडी ब्लास्ट जैसी कई बड़ी वारदातों में शामिल थे, वांटेड थे, इन्हें पकड़ा गया है। महिला नक्सली भी इसमें शामिल हैं और अलग अलग इलाकों से 12 नक्सली गिरफ्तार। में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत थाना जांगला या मिरतुर से अलग अलग मामलों में 12 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें दरभा कैंप के कंपनी कमांडर की हत्या, बैचरम टावर की आगजनी एवं आईडी विस्फोट के कई अन्य मामलों में ये माओवादी शामिल थे। इसमें से कई माओवादी लगभग 15 से 20 साल से माओवादी संगठनों में सक्रिय थे। और सुकमा में भी कामयाबी मिली है, 17 लाख के इनामी नक्सली ने हथियार का रास्ता छोड़ दिया है। 17 लाख के इनामी के साथ साथ 5 और नक्सली, उन्होंने भी सरेंडर किया। कई अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के मामले में ये वांटेड थे। सुरक्षा बलों के सामने इन्होंने हथियार डाल दिए। 17 लाख के इनामी नक्सली के अलावा 5 नक्सलियों ने और सरेंडर किया है। छत्तीसगढ़ शासन की नक्सलवाद उन्मूलन नीति से प्रभावित होकर आज 5 माओवादी द्वारा सरेंडर किया गया। इन पर कुल 17 लाख का इनाम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित किया गया था। इनमें जो एक माओवादी है जो बटालियन PNG बटालियन 1 नंबर में भी कार्यरत था, जिस पर 8 लाख का इनाम घोषित है, और एक माओवादी पामेड एरिया के मेडिकल टीम का कमांडर भी था। तो और अन्य 3 माओवादियों पर कुल 3 लाख का भी इनाम घोषित किया हुआ था। उधर रायपुर के लाल गंगा शॉपिंग मॉल में आग लग गई। आग लगने के बाद मॉल में लगातार तेजी से धुआं फैलने लगा। इसके बाद कारोबारी दुकानों को छोड़कर बाहर निकले।
मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग बुझाने की कोशिश तत्काल शुरू कर दी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आग लगने की घटना, और धीरे से जैसे ही धुआं फैलना शुरू हुआ लोगों को इसकी जानकारी लगी, जो दुकानदार थे वो तेजी से अपनी दुकानों को छोड़कर बाहर निकले। खबर भिलाई से, जहां सीमेंट फैक्ट्री में कर्मचारी की लाश मिली है। सीमेंट फैक्ट्री जामुल का यह पूरा मामला है। पुलिस मौके पर पहुंची है, पड़ताल शुरू कर दी गई। इधर कोरबा में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर शिकंजा कसा गया है। कुल 6 सटोरिये गिरफ्तार किए गए हैं और 3.5 लाख की सट्टा पर्ची, यानी सट्टे का जो हिसाब किताब होता है, सट्टा पट्टी भी इसे कहते हैं, वो बरामद किया गया। साथ ही साथ 2 बाइक, 14 मोबाइल, 5 ATM जब्त किए गए हैं। जानकारी ये भी मिली है कि बैंक खातों के जरिए 5 करोड़ का लेन देन हुआ है। इधर जशपुर में हाथी ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। हाथी के